बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए रास रचाए साथ तुम्हारे झूम झूम दिल ये गाए हो झूम। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 27 अक्टूबर 2024 और रिवाइज डेट हैं 8 अक्टूबर 2002। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने आत्मीय रूहानी प्यार की अनुभूति करने और कराने के लिए कहा कि जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। बाबा कहे, आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी हैं। तो बाबा ने पूछा, क्या परमात्मा प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय आत्मिक परमात्मा प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो? चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म में आत्मीय रूहानी प्यार अनुभव करते और कराते हो? फिर अटेंशन दिलाते कहा कि जीवन में जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, यह ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन हैं और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सुंदर भी होते हैं, कोई गंदगी के भी होते हैं, लेकिन साइड सीन पार करना यह राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने दृष्टिकोण को, वृत्ति को। और कहा कि बाप दादा अभी देश विदेश के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। फिर अटेंशन दिलाया कि ब्राह्मण जीवन में जो विशेषताएं हैं, यह प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं किया जाता है, बांटा जाता है। बांटने वाले को ही महादानी वरदानी कहा जाता है। और सदा खुशी में रहने का आधार बताया, स्वमान में रहना। चाहे बाबा के घर में कोई भी प्रकार की सेवा करते हो, उस समय सदा यह स्वमान स्मृति में रहे, मैं विश्व की सर्व आत्माओं में से श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सुनते हैं आत्मीय रूहानी प्यार की अनुभूति करने और कराने की विधि विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आज विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात है। बाप दादा कहे, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो, आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं, आप परमात्मा प्यार की प्यासी आत्माएं सदा परमात्मा प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहते हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि आप बच्चे क्या संगम युग पर यह सेवा करते हो? चलते फिरते दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, बोल द्वारा व संबंध, संपर्क, कर्म द्वारा सभी आत्माओं को आत्मीय प्यार की, आत्मीय स्नेह की अनुभूति कराते हो। बाबा कहे, कैसे भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, ब्राह्मण नेचर बन गई है। बनानी पड़ती है या बन गई है? फॉलो फादर, फॉलो मदर। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण नेचर बनाने में कोई मुश्किल है क्या? इसमें तो सिर्फ क्या करना है, फॉलो फादर, फॉलो मदर करना है। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते।
बाबा विजुअलाइज करा रहे हैं कि भिन्न भिन्न बच्चे हैं तो भी बाबा ने कितना प्यार से अपना बना लिया। तो बाबा कहे, अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है, तो आत्मिक प्यार परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जब परमात्मा प्यार भिन्न भिन्न आत्माओं को देखते हुए भी इतना प्यार देते हैं, तो क्या परमात्मा से प्यार लेकर हम अनेक आत्माओं को नहीं दे सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं वे हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। तो सभा में सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे, अच्छा मुबारक हो। फिर सरकमस्टांसेस आते हैं। बाबा कहे, सरकमस्टांसेस तो आने ही है, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है। और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं, कोई सुंदर भी होते हैं, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। बाबा कहते हैं, राही का काम क्या है? चलते रहना, चाहे ना पसंद आए लेकिन राही फिर भी चलता रहता है। ऐसे बाबा कहे, आपको अपने मंजिल पर पहुंचने की राह में चलते रहना है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सब जानते हैं, होशियार तो हो गए है ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बाबा कहते, इतनी प्राप्ति हुई है तो उसका रिटर्न में क्या देंगे? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप ग्रुप में मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं, अर्थात छोटा छोटा ग्रुप बनाया है। बाकी है सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। बाबा कहे, चाहे घर में रहने वाले, सेंटर में रहने वाले वा मधुबन में रहने वाले, सबका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखने चाहते हैं, तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। बाबा कहते हैं, स्थान में कहीं पर भी बैठे हुए हो, लेकिन बाबा ऐसे अनुभव करते हैं जैसे बच्चे बाबा के दिल में बैठे हैं। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण कि लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिला करके लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार रूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। बाबा कहते हैं, ऐसे बाप समान बनो, अर्थात शिक्षा देने वाली बात को भी बहुत प्यार से और बहुत स्नेह भरी शिक्षा दो। बाबा कहे, सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार की, दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। अंडरलाइन, बाबा कहे, आत्मिक प्यार अर्थात क्या? हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना, सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। कौन सी है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना? कि कोई भी आत्मा कोई भी समस्या के वश, परिस्थिति वश हो, आत्मिक प्यार देना और समस्या से बाहर निकलने में सहयोग देना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश,
चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं को आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना बाबा? कह ठीक है ना? आत्मीय प्यार देने वाले दाता देवता बनेंगे ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। फिर हॉस्पिटल आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहे सभी अपने को खुश नसीब समझते हो, सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? बाबा पूछ रहे हैं सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ नसीब किसका है? बाबा कहे हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसे समझते हैं जब खुश नसीब है तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। बाबा कहते खुश नसीब व नसीबवान का भावार्थ क्या है? सदा खुश रहना। तो सदा खुश रहते हैं, कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो, दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। बाबा कहे कौन सा गीत दिल में गाती हो? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है, आधा कल्प भाग्य की प्रलब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। अंडरलाइन, बाबा कहते आधा कल्प तक आप भाग्य भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का वर्णन अनेक आत्माएं करती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना? कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप भी पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा? बाबा नशा दिला रहे हैं कि जिन आत्माओं को स्वयं भगवान ने पसंद कर लिया तो उनका भाग्य क्या होगा? तो बाबा कहे सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो, भगवान और भाग्य। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले? रोज याद प्यार मिलता है ना? बाबा कहते रोज मुरली में याद प्यार मिलता है ना? सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना? तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी, भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। बाबा कहते भाग्य की खुशी में रहो तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रलब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है, तो यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना अच्छी तरह से? बाबा पूछ रहे हैं समय का परिचय अच्छी तरह से है ना? स्मृति में रहता है? देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना, अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है, सब विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएंगी। अंडरलाइन अंडरलाइन, बाबा कहते हैं अगर विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे तो विशेषता उड़ती कला का अनुभव कराएंगी और तीव्र गति से उन्नति की ओर ले जाएंगी। बाबा कहे सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन है। परमात्मा देन में अभिमान नहीं आएगा। जिसे प्रसाद होता है ना उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज, बांटा जाता है। बाबा कहे बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है, एक दो घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं, खुला भंडार है ना। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की और आपके पास कितना भरपूर भंडारा है। बाबा कहते हैं मांगने वाली आत्माएं कितनी है और आपका भंडारा उससे भी अखूट है।
और बाबा कहे आपका भंडारा तो भरपूर है, अखुट भंडारे हैं, खुटने वाले हैं क्या, बांटने में इकोनॉमी नहीं करते, इसमें फ्राक दिली से बांटो, व्यर्थ गवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। बाबा कहते बांटने में इकोनॉमी नहीं करो, व्यर्थ गवाने में इकोनॉमी करना है। बाबा कहे सभी खुश हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुशी, ऐसे तो नहीं है ना फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या। बाबा कहे इसमें भी बाप दादा को फॉलो करना है, बाप दादा का मूड कभी ऑफ होता है क्या, तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबके भिन्न भिन्न मूड आती है, कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है, दाता है ना देते जाओ। बाबा कहे दाता है ना तो देते जाओ, देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं देवता, कितने बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना। तो बाबा कहते हैं वो देवताई दाता के संस्कार इमर्ज करो, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले, कोई कुछ भी दे लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे, वो ही देंगे ना। तो बाबा कहते और आपके पास क्या है, सुख शांति, सब ठीक है ना, अच्छा मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते हो हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो, नजदीक तो मधुबन के रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है, अर्थात इतने जो बाबा के आसपास कैंपस बने हुए हैं तो यह मधुबन का घेराव अच्छा है, हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत हैं, पार्टी वाले सिकी लधे हैं, थोड़े हैं इसलिए सिकी लधे हैं, फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा फिर सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहे सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है, तन से सेवा तो करते हो लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो बड़ा पुण्य हो जाएगा। बाबा कहते तन की सेवा के साथ साथ मन की सेवा करेंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा, मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं, तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा होती जाती हैं, ऐसे सेवा करते हो तन से भी और मन से भी। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करते हो ना जो अनेक आत्माएं आए और वो वायुमंडल से प्राप्ति करके जाए, कुछ न कुछ लेकर के जाए और वह रिटर्न में दुआएं दे, ऐसी सेवा करते हो ना। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो, डबल। बाबा कहते डबल सेवाधारी हो ना, डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है, जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाबा कहते डबल सेवा करने से क्या मिला, दोनों मिला, अभी वर्तमान समय दुआएं भी मिली और भविष्य के लिए भी जमा हो गया। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं, बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना, सेवा अर्थात जमा करना, जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी, सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक हैं। बाबा कहते हैं जो अच्छी सेवा करते हैं उनको सर्व आत्माएं प्यार करती हैं, जैसे शिव बाबा को भी सारी विश्व की आत्माएं याद करती हैं और कितना प्यार से याद करती हैं, तो बाप समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो, बाबा कहे सेवा के समय मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो, मधुबन अर्थात याद और सेवा, चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे, सभी खुश रहते हो। बाबा हमसे पूछते हैं सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले, आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाए। बाबा कहते कैसे खुश रहना है, जो आपको खुश देखकर सभी खुश हो जाए, सेवाधारियों को भी टर्न मिला है, खुश हो ना,
टर्न मिला ना विशेष, मधुबन वालों के निमित्त आपको भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो, स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो लेकिन स्वमान क्या है, विश्व की सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अंडरलाइन, बाबा कहे सेवा चाहे कोई भी करते हो, झाड़ू लगाते हो या और कोई भी साधारण काम करते हो, लेकिन स्वमान इतना श्रेष्ठ हो कि मैं सारे विश्व में विशेष आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा, हम किसके बन गए। बाबा कहे नशा रहे हम किसके बन गए, किसकी सेवा करते हैं। भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं, रूहानी नशे में। बाबा कहे एक एक सेकंड सफल करना है और वो भी साधारण नहीं, विशेष हो। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इतनी ज्ञान रत्नों से विशेष विशेष पालना करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूरत भाव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूरत भाव। स्पष्टीकरण है, सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन में स्नेह का महत्व बताया कि हमारे ब्राह्मण जन्म का आधार ही क्या है, स्नेह है। स्नेह के आधार से ही तो हमारा ब्राह्मण जीवन बना। यह रूहानी अलौकिक स्नेह ही उड़ती कला का अनुभव कराता है। और स्नेह की निशानी बताई कि सदा पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को सहज पास करना। आज का स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को समालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में बाप को समालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। आज 27 अक्टूबर का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले, मेजोरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हर बोल कर्म और वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे, इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। भल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो, कोई का हद का संस्कार प्रभावित न करे। आज बाबा ने संस्कार मिलन के लिए कहा कि सदा बोल में, कर्म में, वृत्ति में हल्कापन हो, कोई भी प्रकार का बोझ व भारीपन ना हो। बाबा कहे भल कोई आत्मा के संस्कार कैसे भी हो, परवश हो, लेकिन हमें उस आत्मा को परिवर्तन होने के लिए सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।